बिहार के आरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाइक से गिरकर मां बेटी जख्मी हो गई हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पीरो थाना क्षेत्र के बिराहिमपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप रविवार की सुबह बाइक से गिरकर बताई जा रही है। दोनों मां बेटे का इलाज के लिए पीरो CHC से सदर अस्पताल लाया गया है। घटना को लेकर लोगों में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के अनुसार जख्मी तरारी थाना क्षेत्र के कुसी मलपुरा गांव निवासी फूला देवी उम्र उसकी शादी शुदा पुत्री चरपोखरी के नगरी निवासी अनीता देवी बताई जाती है। गाड़ी चला रहे थे लड़के। कहाँ से जा रहे थी लोग? नगरी से जा रहे थे। कहाँ से आई थी? बिराहिमपुर मोड़ पर। कहाँ से आई थी आपके यहाँ? उसी से। अच्छा, क्या करने आई थी? मेरा मम्मी की तबीयत खराब था, इसलिए देखने आई थी। तो आज जा रही थी? जा रही थी। मैं बोला कि जा, पहुँचा उसी पर। कहाँ पर हुआ? ये बिराहिमपुर मोड़ पर। बिराहिमपुर मोड़ पर। कौन है? कौन गाड़ी चला रहा था? मेरा भाई। क्या नाम? रविनंदन। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजू। क्या लगते हैं आप इनके क्या लगते हैं? बताया जाता है कि अनीता देवी की सास का तबीयत खराब थी, उन्हें देखने के लिए उनकी मां फूला देवी और अपने छोटे पुत्र रविरंजन के साथ नगरी आई थी। आज सुबह रविरंजन अपनी मां फूला देवी और बहन अनीता को बाइक पर बैठाकर वापस तरारी थाना के कुसी मलपुरा गांव लौट रहा था। इसी क्रम में पीरो थाना क्षेत्र के बिराहिमपुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप माँ बेटी बाइक से असंतुलित होकर गिर गई, जिसमें दोनों के सिर में काफी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों को प्राइवेट वाहन से इलाज हेतु पीरो भेजा गया, जहां से दोनों को आरा सदर अस्पताल लाया गया है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। समाज से लेकर सत्ता तक, अपराध से लेकर अपराधी तक, हर तरह की छोटी बड़ी खबर अब आपके मोबाइल पर, इंडिया एक्सप्रेस पर। हर छोटी बड़ी खबर से ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल।